चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है माउंट एवरेस्ट। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। वर्षों में एवरेस्ट का माप कैसे लिया जाता था, इसके बारे में बात करेंगे। नई ऊंचाई के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और अंत में माउंट एवरेस्ट के बारे में जानेंगे। विषय को प्रारंभ करने से पहले हम देखेंगे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, हाल ही में नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई मापी है, इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई 8,848.96 मीटर मापी गई है। कथन दो, यह ऊंचाई चीन और भारत ने मिलकर मापी है, उपरोक्त में से असत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को आप अच्छे से सुने। यह चर्चा में क्यों है? नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई 8,848.86 मीटर मापी गई है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मौजूदा समय में 8,848 मीटर मानी जाती है। 13 अक्टूबर 2019 को नेपाल और चीन के बीच माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने को लेकर एक आपसी सहमति बनी थी। अब इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस समझौते के तहत अनुच्छेद 1 के अनुसार चीन और नेपाल मिलकर माउंट झुमलांगमा और सागर माथा की ऊंचाई का ऐलान करेंगे। इस समझौते में माउंट एवरेस्ट के संयुक्त मापन का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन आपसी सहयोग की बात जरूर कही गई है। इस समझौते के अनुच्छेद 5 के अनुसार दोनों देश माउंट एवरेस्ट के सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए आपसी सहयोग तंत्र विकसित करेंगे। वर्षों में एवरेस्ट का माप कैसे लिया जाता रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को अंग्रेजों द्वारा पहली बार 1849 में मापा गया था। 1856 में महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण के दौरान भारतीय गणितज्ञ राधानाथ सिकदर ने निर्धारित किया कि एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। जीपीएस के आगमन तक थियोडोलाइट अर्थात विकोण मान, सर्वेक्षण की श्रृंखला और त्रिकोणमितीय गणना जैसे तरीकों की सहायता से इसकी लंबाई मापने का प्रयास किया गया। 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया ने निर्धारित किया कि एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। चीन के अनुसार वर्ष 1975 में एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.13 मीटर और वर्ष 2005 में 8,844.43 मीटर थी। 1999 में एक अमेरिकी टीम ने ऊंचाई को 29,035 फीट अर्थात लगभग 8,850 मीटर रखा। नेशनल ज्योग्राफी के अनुसार यह सर्वेक्षण नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी द्वारा प्रायोजित किया गया था। नई ऊंचाई के बारे में सर्वे दल ने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट और ग्रेवी मीटर की मदद से एवरेस्ट की ऊंचाई नापी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने की कोशिश पिछले साल शुरू की गई थी। इस बेहद जटिल कार्य को अंजाम देने के लिए पिछले साल एक अभियान दल चोटी पर भेजा गया था। नेपाल सरकार का ऐसा अनुमान था कि 2015 में आए विनाशकारी भूकंप सहित विभिन्न कारणों से चोटी की ऊंचाई में बदलाव हो सकता है, इसलिए चोटी की सही ऊंचाई को मापने का फैसला किया गया था। हिमालय पर रिसर्च करने वाली कई संस्थाएं और वैज्ञानिक कई बार खुलासा कर चुके हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब बात करेंगे माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह हिमालय का हिस्सा है।
माउंट एवरेस्ट एशिया में नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। पहले इसे XV के नाम से जाना जाता था। वैज्ञानिक सर्वेक्षणों में कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। माउंट एवरेस्ट को संस्कृत में देवगिरी, तिब्बती में चोमोलुंगमा, चीनी भाषा में चूमोलांग माफेंग, कोमोलांग माफेंग, नेपाली में सागर माथा कहते हैं। पिछले वीडियो में जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प ए। आज की वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया है उसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।